नमस्कार, मैं हृतिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। यूपी सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में ओबीसी कर्मचारियों की गिनती कराने जा रही है। इस गिनती में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की गिनती के साथ ही पिछड़ा वर्ग की उपजातियों में कौन सी जाति के कितने लोगों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व है उसकी भी गिनती कराई जाएगी। यानी कि ओबीसी कोटे से जो लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं उनमें से कौन सी पिछड़ी जाति के कितने लोगों को सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, सरकार इसकी गिनती करवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में तैनात ओबीसी कर्मचारियों की संख्या और ओबीसी के किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरियों में विभाग में कार्यरत हैं इसकी भी जानकारी मांगी गई है। सरकार का मानना है कि ओबीसी आरक्षण के बावजूद भी अभी भी बहुत सी ऐसी ओबीसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में ना के बराबर है। तो ऐसे में सरकार सभी ओबीसी जातियों की गिनती करवाकर जिन जातियों को कम प्रतिनिधित्व मिला है उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी। सरकार की इस पहल का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक तो सरकार पहले ये सरकारी नौकरी देने में नाकाम है और अगर सरकार को गिनती करवानी ही है तो जातिवाद जनगणना कराकर क्यों नहीं देख लेती है कि किस जाति ने किस जाति का हक मारा हुआ है। दूसरी तरफ सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।